यहाँ ये जरूरी नहीं है कि कितनी तेजी से आप पिकअप पकड़ रहे हैं, कितनी तेजी से आप ग्रो कर रहे हैं, ये बिल्कुल जरूरी है। अगर आप 20 से 30 साल की उम्र के बीच हो या 32 से 33 साल की उम्र के बीच हो, एक चीज पे टिके मत रहो। मैं कहता हूँ जिस आदमी ने जरूरतें ज्यादा पाल ली या शौक ज्यादा पाल लिए अपनी इनकम से, उसको मैं कहता हूँ फाइनेंशियली प्रेग्नेंट करवा दो। कोच आपको रास्ते बता सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कोच उस रास्ते पर पहुंच जाए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज की डेट में पैसे कौन नहीं कमाना चाहता, हर कोई वो गुर सीखना चाहता है जिससे कि एक का दो बनाया जा सके। लेकिन मुश्किल ये है कि पढ़ लिख लेते हैं युवा, जॉब नहीं मिलती, सुटेबल जॉब नहीं मिलती, मिलती है तो उसे संतुष्ट नहीं होते। हर किसी की चाहत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए, लेकिन आए तो कैसे आए, तो उसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सागर सिन्हा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे आप घर बैठे जो है बना सकते हैं, कैसे करें। ये जितने युवा हैं सब इसी चाहत में आए हैं। और आपका मैं वीडियो देख रहा था कि 50,000 लगा के 5 लाख कैसे कमाएं, 1 लाख कैसे कमाएं, 2 लाख कैसे कमाएं, बताइए। तो पता है क्या सवाल है, मान लीजिए मैं ही शुरुआत करता हूँ कि मैंने अपना एजुकेशन खत्म कर लिया, ठीक है, जॉब की तलाश में निकला, सुटेबल जॉब नहीं मिली, हमारे पास 2-4 लाख रुपए के सपोर्ट हैं, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, कैसे करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। देखिए, शुरुआत की बात जहाँ तक है ना, तो सबसे पहली बात, इन्वेस्टिंग या फाइनेंस मैनेजमेंट इन सब पर फोकस नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ अभी अभी आपके कमाने की उम्र है, तो पूरी ताकत लगाइए कि आप वो स्किल कैसे सीख पाएं जिसकी समाज को, सोसाइटी को आज नीड है। क्योंकि देखिए, जितने डिग्री बेस्ड एजुकेशन है, उन डिग्री बेस्ड एजुकेशन से काम नहीं मिलने वाला, या मिल रहा है तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्किल को डेवलप करने पे फोकस होना चाहिए सबसे पहले, जिसकी सोसाइटी को ज़रूरत है। जैसे स्किल कोई भी हो सकता है, जैसे आज के टाइम में सोशल क्रिएटर बहुत बन रहे हैं, सबको वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत है, आप उनके लिए वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। सबको कंटेंट की ज़रूरत है, आप उसके लिए कंटेंट मैनेजमेंट या कंटेंट सप्लाई सीख सकते हैं। सबको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है, आप उनके लिए वो सीख सकते हैं। आप खुद भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें, ये तो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे को डिग्री एजुकेशन में नहीं पढ़ाई जाती, सिलेबस में अभी तक कहीं नहीं है, लेकिन डिमांड आज बहुत ज़्यादा है और पैसे इसमें इतने कमाए जा सकते हैं कि एक सरकारी नौकरी का एक जो सीनियर से भी सीनियर ऑफिसर होता है उससे भी कहीं ज़्यादा कमाया जा सकता है। प्लस सोसाइटी में रेस्पेक्ट, वो सब कुछ ये तो है। चलिए, ये सब कुछ हो सकता है। मैं आपके बारे में ये देख रहा था कि यदि मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपने इंजीनियरिंग की थी। हाँ। इसके बाद 8 महीने तक आपने जॉब की। 8-9 साल मैंने जॉब। 8 महीने आपको सैलरी नहीं मिली थी। शुरुआती 8 महीने सैलरी आपने सैलरी नहीं ली, उसमें आपको डिप्रेस्ड हुए होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अरे 8 महीने कोई बिना पैसे के आप कैसे काम करा रहा, कैसे नहीं आप? वो डील ही ऐसी थी क्योंकि मेरा जो डिग्री था वो डिग्री बहुत अच्छा नहीं था, बीटेक नहीं था। मैं एक कॉरेस्पॉन्डेंट से मैंने ग्रेजुएशन करा था इंजीनियरिंग में, तो मेरे को पता था कि नौकरी वोकरी ज़्यादा अच्छी जगह मुझे नहीं मिलेगी। अच्छा, तो एक जगह डील हुई कि 8 महीने काम करो लेकिन सैलरी नहीं देंगे, तो हमने कहा चलो इसी बहाने सीखने को मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा, तो इस डील पर हमने किया। तो वहाँ पे आपने क्या सीखा? प्रोग्रामिंग सीखी, इंजीनियरिंग सीखी कि सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल तजुर्बा मिला। उसके बाद उसी के बिहाफ पे फिर बाद में अच्छी नौकरी मिली। अच्छा, तो बाद में जो आपको नौकरी मिली, आप ये मानते हैं कि जो 8 महीना वहाँ पर बिना पैसे के काम किए थे वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो आप मतलब यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब थोड़े समय में नहीं घबराना है, ये दिमाग में सिर्फ ये रखना है मैं क्या सीख रहा हूँ और इसका कैसे आगे यूटिलाइज करना है? ठीक है, जिंदगी तिवारी जी, जिंदगी ना ये 100 मीटर की रेस नहीं है, 200 मीटर की रेस नहीं है, मैराथन है। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि कितनी तेज़ी से आप पिकअप पकड़ रहे हैं, कितनी तेज़ी से आप ग्रो कर रहे हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि आप लगातार लंबे समय तक जीवन भर थोड़े थोड़े स्पीड से ग्रो करते रहे। तो शुरुआत में अगर आपका करियर शुरू हो रहा है तो मैं कहूँगा पैसे पर फोकस बिल्कुल मत रखो, बिल्कुल मत रखो। हो सके तो घर से मांगो, जो भी हो जैसे भी हो, शुरुआत में पूरी ताकत ये लगाइए कि आपका स्किल बढ़े, आपकी कार्य कौशलता बढ़े, क्योंकि ये शुरुआत में अगर आपने बढ़ा लिया तो बाद में पैसा बहुत आता है। अब जैसे ये जितने भी युवा हैं ना आपके सामने, ये सोशल मीडिया में काम करते हैं, ठीक है, और
स्वाभाविक सी बात है कि जो ये सोच करके आए होंगे और जो इनकी एक्सपेक्टेशन है, यदि उसके मुताबिक नहीं मिलता है तो बहुत जल्दी इन्हें रहती है। तो आप इनको क्या सलाह दे रहे हैं? वक्त लगता है, और मैं तो कहता हूँ कि ज़िंदगी में ना एक्सपेरिमेंट का बड़ा रोल होता है। आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहनी चाहिए। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहता हूँ कि एक चीज़ पकड़ो और उसी में घुसे रहो, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का फेज़ होता है लाइफ में। मैं कहता हूँ अगर आप 20 से 30 साल की उम्र के बीच होना या 32-33 साल की उम्र के बीच होना, एक चीज़ पे टिके मत रहो। जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये भी ट्राई करो समझ नहीं आ रहा दूसरा ट्राई करो, ये भी ट्राई करो समझ नहीं आ रहा दूसरा फील्ड ट्राई करो, बदलते रहो। हाँ, 30, 32, 35 एक ऐसा उम्र हो जाता है जब आपकी फैमिली बन चुकी है पीछे, अब ठहराव की ज़रूरत है, अब एक ऐसा करियर चुनने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी भर आप उसको परस्यू करें और उसमें एक्सेलेंस की तरफ जाएं। शुरुआती करियर में कभी भी ठहराव की आपको नहीं सोचना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहो। आपने एक बुक लिखी द रियल रिच, उसमें आप, मैं चूंकि पढ़ नहीं पाया हूँ, देख ही रहा था, उसमें आपने रियल रिच किसको माना? सोसाइटी में ना दो तरह के रिच आपको दिखेंगे। एक रिच वो होंगे जो आपको दिखेंगे रिच, आपको ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़ों में दिखेंगे, साफ सुथरे नहाए धोए से लगेंगे, हो सकता है अच्छी गाड़ी हो या हाथ में अच्छा आईफोन हो, तो आपको देखने में लगेगा अच्छा ये आदमी अच्छा कमा रहा है, मतलब बढ़िया है, पैसे वाला आदमी है, अच्छी सोसाइटी में फ्लैट व्लैट ले रखा है। लेकिन क्या वो सच में रिच है? ये उसका बैंक बैलेंस बताएगा, ये उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बताएगा। आज सोसाइटी में ज़्यादातर रिच आपको जो दिखते हैं वो रिच सिर्फ दिखने के रिच होते हैं, पीछे उनका पोर्टफोलियो, बैंक बैलेंस सब खाली है। महीने का 20 दिन ईएमआई पे चल रहा है, क्रेडिट कार्ड के घर चल रहा है, लोन्स पे ज़िंदगी कट रही है। तो ये दिख तो रहे हैं रिच, लेकिन है नहीं। तो मैं इनको कहता हूँ फेक रिच है। अब रियल रिच कौन है? रियल रिच मेरे हिसाब से वो सब लोग हैं जो भले ही हाथ में आईफोन ना रखें, हो सकता है 10-15 हज़ार का फ़ोन है, भले ही ब्रांडेड कपड़ों में आपको ना दिखें, भले ही अच्छी बड़ी सोसाइटी में ना दिखें जिसमें स्विमिंग पूल और जिम हो, किसी आम से घर में रहते हो, लेकिन आप उनका अगर बैंक बैलेंस देखें तो बढ़िया। अगर उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखें, वो 4 जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब पीछे बैकग्राउंड स्ट्रांग बना रखा है पैसे से, तो मैं इनको कहता हूँ ये रियल रिच है। पहले क्या था कि मतलब 1990 के पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहीं से उदारवाद की शुरुआत होती है, कि जब लोग रिटायरमेंट के वर्ष पे आते थे तो मकान बनाते थे और गाड़ी तो उनकी प्रायोरिटी में बहुत पीछे हुआ करती थी, फिर बच्चों की शादी वादी को ज़्यादा वो प्रायोरिटी दिया करते थे। अब क्या हुआ है कि 90 के दौर के बाद जो उदारवाद का दौर आया, बाजारवाद का दौर आया, उसमें जो नई पीढ़ी आई उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है एक अच्छी सी गाड़ी, उसके बाद वो 35-40 पहुँचते पहुँचते लेना चाहता है एक अच्छा सा मकान, और फिर उसके बाद जितने भी उसको चाहिए सुविधाएँ वो सारी वो चाहता है। आप किसको अच्छा मानते हैं आपके हिसाब से? आपने रियल रिच की जो अपनी परिभाषा बताई है उसके हिसाब से किसको अच्छा मानते हैं? एक्चुअली सारा खेल ना इन्फ्लुएंस का होता है, हम किन लोगों के बीच हमारा उठना बैठना है। अब मेरी ही अगर मैं बात करूं तो मैंने जब ठीक ठाक नौकरी शुरू करी थी, कॉर्पोरेट में जॉब करने लगा, तो मैंने देखा आसपास सारे ऐसे लोग हैं, दोस्त वोस्त ऐसे बन रहे हैं जो बाइक्स की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स की बात कर रहे हैं, महंगे फ़ोन्स की बात कर रहे हैं। अब जब सारे ही लोग ऐसे मिलेंगे तो आपकी सोच भी वैसे ही बनती चली जाएगी, आप भी महंगे फ़ोन्स के फीचर्स देखोगे, वीडियोज़ देखोगे, लेने का मन करेगा, ईएमआई पे उधार करके करोगे, फिर वो भी आपने कर लिया, फ़ोन भी ले लिया। अब धीरे धीरे जैसे आपका सैलरी बढ़ेगा ना, आप कोशिश करोगे कि फ्लैट लिया जाए, होम लोन्स के आपको बोर्ड दिखेंगे, लोग बात करेंगे अगर सैलरी बढ़ गई, हमने उस सोसाइटी में फ्लैट बुक किया है, हमने उस सोसाइटी में बुक किया, हमने उस सोसाइटी में बुक किया है, अब अपना भी मन करेगा हम भी ले लें, तो अब आदमी फ्लैट की तरफ जाता है, मतलब उसकी इनकम बढ़ती है इतनी, लेकिन वो खर्चे बढ़ाता है इतना, तो जिसकी वजह से वो नेगेटिव डेट में हमेशा रहता है। तो क्या मतलब ये जो युवा हैं बाजारवाद के चमक दमक में कहीं गुम सा हो रहे हैं, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा ले रहे हैं और उस हिसाब से आमदनी नहीं होती है तो दिक्कत होने लगती है? बिल्कुल दिक्कत होती है। देखिए ऐसा होता है ना तिवारी जी, कि मैं कहता हूँ जिस आदमी ने ज़रूरतें ज़्यादा पाल ली ना, या शौक़ ज़्यादा पाल लिए अपनी इनकम से, उसको मैं कहता हूँ फाइनेंशियली प्रेगनेंट है वो आदमी। फाइनेंशियली प्रेगनेंट कहने का मतलब, एक महिला जब प्रेगनेंट होती है वो दौड़ नहीं सकती, वो भाग नहीं सकती, वो रिस्क नहीं ले सकती, वो ठहर जाती है। ऐसे ही आदमी जब फाइनेंशियली ज़रूरतें ज़्यादा बना लेता है, रिस्क लेने की काबिलियत उसकी ख़त्म हो जाती है, वो कुछ बड़ा सोच नहीं सकता, वो थम जाता है, ठहर जाता है, वो बंद जाता है जिस भी इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, तो ऐसा आदमी फिर उड़ान नहीं भर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता।
तो अपनी ज़रूरतों को जितना कम रखें, देखिए सोसाइटी में इन्फ्लुएंस करने वाले लोग चारों तरफ मिलेंगे ही मिलेंगे, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कैसे बचाव करें। कोरोना भी तो चारों तरफ चल रहा था ना, हमने अपने आप को बचाया ना, पॉल्यूशन भी चारों तरफ है ना, हम अपने आप को बचाते हैं ना, ऐसे ही लोग भी चारों तरफ हमें मिलते हैं मैक्सिमम, जो हमें फोन, महंगे कपड़े या गाड़ी या महंगे फ्लैट की तरफ हमें रुझाएंगे, एनकरेज करेंगे, हमने लिया है तुम्हें भी लेना चाहिए, हमें खुद को बचाना है। एक बात बताइए, अक्सर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए तो दो तीन बात वो कहता ही कहता है, जैसे कि आपको टेंशन नहीं लेना है, भाग दौड़ नहीं, शरीर को आराम दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और जिस वक्त वो डॉक्टर देख रहा होता है, मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि वो सबसे ज़्यादा टेंशन में होता है कि कितने मरीजों को आज हमने देखा, ठीक है, कितना पैसा आया। ऐसे ही जो मोटिवेशनल स्पीकर है या इस तरह के जैसे बिजनेस मैनेजमेंट की जो बातें करते हैं, मैं व्यक्तिगत उसमें नहीं जाऊंगा, अभी आपने कंट्रोवर्सी भी देखी होगी, उसमें से एक का आपने इंटरव्यू भी शायद किया था, क्या सच में जो आप लोग बताते हैं उतना मतलब वो आने की उम्मीद रहती है, या बता जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते? ये समझाने में आने की उम्मीद रहती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसी को आपने सलाह दी 50,000 से 5,00,000 कमाइए है और उस राह पे हम चल पड़े, लेकिन पता चला कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, बस इसका मैं सिंपल सा आंसर जानना चाहता हूँ। देखिए कोच और परफॉर्मर में ना फर्क होता है, कोच आपको रास्ते बता सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कोच उस रास्ते पे खुद भी चल रहा हो, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। चाणक्य जानते थे कि राजा कैसे बनाना है, शासन कैसे करना है, एक राजा को गद्दी पर बिठाना कैसे है, राजा को गद्दी से उतारना कैसे है, लेकिन वो खुद कभी शासन नहीं किए, वो खुद कभी राजा नहीं बने। तो मैं आपका यदि एक्सपीरियंस जानना चाहूँ कि भागलपुर से चल करके आप यहाँ आए, जैसा कि आपने खुद बताया कि कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, 8 महीने बिना सैलरी के काम किया, उसको सीखा, उसके बाद आगे बढ़े, तो आज अपने को आप कहाँ पाते हैं फाइनेंशियली? मैं पूछ रहा हूँ, मैनेजमेंट और शिक्षा देना वो एक अलग बात हो गई, गुर सिखाना एक अलग बात हो गई, आज अपने को आप कहाँ पाते हैं, कितना कमा लेते हैं, इतना ही बताना चाहेंगे आप भी, नाम मैं पूछूंगा, लेकिन कहाँ पाते हैं? मैं अपने आप को वहाँ पाता हूँ जहाँ पर मैं शायद स्कूल में सोचा करता था कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मैं वहाँ पर आ चुका हूँ स्कूल में। आप लोग के क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? आपने अभी जो है कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, समाज को भी एक तरीके से दिखाना है, तो यही समाज तो है, जब हम कोई भी छोटा मोटा धंधा करते हैं या कुछ काम करते हैं तो समाज हमें उपेक्षित करता है, तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए समाज का काम ही है उंगली करना, ठेठ भाषा में अगर कहें, आप अगर बहुत अच्छा करेंगे तो आपसे जलने वाले पैदा होंगे, आप अगर अच्छा नहीं करेंगे तो आप पर उंगली उठाने वाले पैदा होंगे, आप अगर कुछ करें या कुछ ना करें, समाज हमेशा ही आपके पीछे रहेगा, आपके पीछे कुछ ना कुछ करने के लिए, आपको परेशानी वाली मानसिकता में डालने के लिए। तो मैं इसको कहता हूँ कि ये एक तरह का वायरल फॉर्मेट चलता है बाहर सोसाइटी, इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम अपने आप को कैसा बनाएं, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, मैं उससे प्रभावित हो जाऊं या मैं उसको प्रभावित करूं। तो मैं उनमें से हूं जिनको प्रभावित करना चाहिए, बजाय कि उनसे प्रभावित हूं। देखिए एक चीज समझिए ना, मिडिल क्लास, हम सब मिडिल क्लास में पले बड़े हैं, और मिडिल क्लास की मानसिकता और एक रिच क्लास की मानसिकता में आपको जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। रिच क्लास जहां ये कहता है कि पढ़ाई लिखाई करो, अपना धंधा पानी शुरू करो, पैसे को बचाओ, पैसे को इन्वेस्ट करो, और पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद जो चीज निकलती है उससे अपनी जरूरतें पूरा करो। मिडिल क्लास का थोड़ा पहले वाला हिसाब किताब है, मिडिल क्लास कहता है पढ़ाई लिखाई हो गया, नौकरी करो, जो सैलरी आती है उसी से अपना सब कुछ करो, एक लेवल का फर्क है समझिएगा। रिच क्लास कहता है पैसे कमाओ, उसको किधर लगाओ, या तो इन्वेस्ट करो या धंधे में लगाओ, ठीक है, और उस धंधे से जो कमाई होती है उससे अपनी जरूरतें पूरे करो। मिडिल क्लास एक लेवल पहले है, वो कहता है जो सैलरी आई उसी से सब कुछ खर्च करो, तो उसका वेल्थ पीछे कभी नहीं बन पाता है, इसीलिए वो एक ऐसी गाड़ी में सवार है जिसमें स्टेपनी है ही नहीं। सोच के देखिए, एक ऐसा परिवार जिसमें दो बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और रात को 3 बजे जंगल से गुजर रहा है, उस गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, अगर कुछ हुआ गाड़ी को क्या करेगा वो परिवार? मिडिल क्लास ऐसे ही गाड़ी में सवार है ज्यादातर, लेकिन रिच क्लास कहता है एक नहीं दो दो स्टेपनी रखो, तीन तीन रखो। बिल्कुल, अभी आपने अपने मित्रों का भी जिक्र किया, यानी कि जो है आपके साथ जो जुड़ने वाले लोग थे वो बड़ी बड़ी बातें करते थे,
एक सवाल और आता है कि लोग कहते हैं कि जब आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो आप अपने से ज्यादा जानकार या आपकी उम्र से जो बड़े लोग हैं उनसे आप दोस्ती कीजिए, तो वो क्या वहाँ पे नुकसानदायक है ये? नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप अपनी उम्र से बड़े या अपनी औकात से बड़े लोगों के साथ बैठते हैं तो एक चीज के लिए तैयार रहिएगा, क्रिटिसिज्म। वो आपको छोटे का होने का एहसास कराएंगे, लेकिन वही चीज हमें बेहतर बनाती है। देखिए, बड़ों के सामने छोटा बनने में दिक्कत नहीं है, हमने मान लिया उनसे बड़े हैं तभी तो हम उनके साथ हैं, उनसे छोटा बन के रहिए, फायदा है। कल को आप उस परिस्थिति में पहुंच जाएंगे जब आपसे छोटे वाले आपको बड़ा मानने लगेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपने से बड़े औकात, अपने से बड़ी सोच वालों के साथ अगर दोस्ती संगति बनी है तो वो अच्छा है। आपने कहा कि वो हमेशा एहसास कराते रहेंगे कि आप छोटे हो, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हाँ, बहुत हुआ है। कुछ बताइए, कुछ कहानी। कहानी वाक्य जैसा अब कुछ तो याद नहीं है, लेकिन मैं क्रिटिसिज्म का शिकार स्कूल से रहा हूँ। अच्छा, मतलब मैं उनमें से रहा हूँ जिनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहा है स्कूल से, पढ़ाई लिखाई में भी कुछ खास नहीं रहा हूँ। हमेशा ये सुनने का मैं आदि रहा, अरे इसको तो बुद्धि नहीं है, इसको तो अकल नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये बचपन से ही सुना है। तो एक चीज समझिएगा कि जिंदगी में जो आदमी जितने ज्यादा फेलियर्स देखा है ना, स्कूल में जो बैक बेंचर रहा है ना, जिसने जितनी ज्यादा बेइज्जती सही है ना, वो उतना ही बड़ा चट्टान बन के निकलता है। बैक बेंचर्स वाले ध्यान देंगे, डरने की जरूरत नहीं है यहाँ। वो उतना ही बड़ा चट्टान बन के निकलता है जिसको सोसाइटी के उपेक्षा कह लो या मजाक उड़ाने का डर, उससे वो चीजें ऊपर निकल चुका होता है। तो मैं आज उनमें से निकल चुका, और यही कारण है कि मैं जिस मुकाम पर हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, नहीं कहते हैं। लेकिन जो टॉपर होता है, फ्रंट बेंचर्स होता है, जिसने बचपन से ही सक्सेस देखा है, मुझे लगता है शायद उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। क्या उनके ऊपर मानसिक दबाव भी होता है? बहुत होता है, बहुत होता है। आप देखो, सुसाइड करने वाले जो बच्चे होते हैं जिनके नंबर कम आ गए, 100 से 99 आ गए तो सुसाइड कर लिए, ये वो बच्चे होते हैं जो बचपन से टॉपर होते हैं। बैक बेंचर्स आपको सुसाइड करते हुए नहीं मिलेंगे। बैक बेंचर्स तो मुकेश अंबानी जैसा बनता हुआ फ्री माइंड रहते हैं। हाँ, फ्री माइंड उनको। अच्छा, कभी नंबर के लिए आप जो है माता पिता से डांट या मारपीट जो है मतलब थप्पड़ उपड़ खाए हैं? हाँ, बहुत खाए हैं। बहुत खाए हैं। बहुत खाए हैं। तो क्या बैक बेंचर होना चाहिए? आप क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं युवाओं में? देखिये, मैं संदेश ये देता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, स्कूल का, कॉलेज का, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए उस पर। आदमी को उम्र के 20 साल तक सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में ध्यान देना चाहिए, खेल कूद दबा के। पढ़ाई में एवरेज रहो, अच्छा है, क्योंकि वैसे भी वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी। आप ही देख लो, आप लोग जो पैसा कमा रहे हो आज, अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की वजह से तो निश्चित नहीं कमा रहे हो। तो अगर ऐसा है तो उसमें उतना समय क्यों देना? अच्छा, स्पोर्ट्स में क्यों कह रहा हूँ मैं ध्यान देने के लिए, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में उतरेंगे तो स्ट्रेस, तनाव, कंपटीशन, कई बार ऐसा होगा काम के चक्कर में आपको हेल्थ को इग्नोर करना पड़ेगा। तो आपने अगर उम्र के शुरुआती दौर में अगर खूब स्पोर्ट्स में अपने आप को टटोला है ना, खूब डाला है ना, तो जो बाद का दबाव आएगा शरीर पर, शरीर का हेल्थ को इग्नोर करने वाला फेज, वो शरीर वहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन जिस बच्चे ने बचपन से ही स्कूल कॉलेज में खूब ध्यान दिया है, पढ़ाई में खूब ध्यान दिया है, बैठ करके खूब नंबर वन लाया है, वो उसका शरीर कमजोर होता है बचपन से, क्योंकि स्पोर्ट्स में वो कमजोर है। और जिस बच्चे का शरीर बचपन से कमजोर है, जिंदगी की रेस में जब वो उतरेगा उसका शरीर झेल नहीं पाएगा। अच्छा, अभी आपने कहा था कि चाणक्य राजा बनाना चाहते थे लेकिन राजा नहीं बने। राजा बनाना जानते थे। और तो ठीक इसी तरीके से कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई क्लाइंट, कोई जानने वाला आपको दिखा रहे सागर जी ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरा तो पैसा ही नहीं आया, पैसा दीजिए? ऐसा कोई काम मैं करता नहीं हूँ जो कि लोग मुझसे मांगे या मुझसे बोले। नहीं, ऐसे मान लीजिए आपसे कोई प्रेरणा लेकर किसी ने वो काम किया, शुरू किया, और आप अचानक दिख गए, अरे मेरा तो पैसा ही उस हिसाब से रिटर्न नहीं आया, जो भी है एक समय अनुसार, 1 महीने 2 महीने, कभी ऐसा हुआ है कोई वाक्य कहीं आप गए हुए हो? नहीं, ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तो कभी, क्योंकि मैं सिखाता हूँ। देखिये, ये उनके साथ होता है जब आप सजेस्ट करते हो ये वाला काम कर लो पैसा आ जाएगा, वो मैं कभी नहीं करता। मैं सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले पे डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को समझना आसान भाषा में तो कैसे समझाएंगे? ट्रेडिंग मजदूरी है, इन्वेस्टमेंट राजशाही वाला काम है। इन्वेस्टमेंट वो है जब आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग वो है जिनको रोज का खर्चा निकालना है। सर, वो फेज कब आया कि जैसे आपने बताया कि आपने करियर जॉब से शुरू की और आज आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे फाइनेंस में थे, तो आपने कब ये फील किया कि नाउ आई हैव लर्न इनफ
टू टेल, है ना, कि अब मैंने एक एक चीज़ें सीख ली हैं, अब मैं अब लोगों को अपना अपना तरीका या जो मैं लोगों को बता सकता हूँ। तो वो जॉब प्रोफेशन से काउंसलिंग या मेंटरशिप पे कब आया? देखिए, एक फेज था जब मैं जॉब से उड़ चुका था, परेशान हो चुका था, मुझे दिख गया था यार यहाँ ज़्यादा कुछ मेरा होने वाला नहीं है और मेरा कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मैं एक सर्चिंग फेज में था, कुछ चाहिए मेरे को। तो उस वक्त मुझे किसी ने सेल्स एंड मार्केटिंग के कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और वहाँ मुझे फील कराया कि यहाँ बहुत कुछ पाया जा सकता है। तो वो एक नई चीज़ थी मेरे लिए। मैं एक दबो टाइप का आदमी, एक कमरे में बंद रहने वाला आदमी, और सेल्स में बताया जा रहा है लोगों से मिलना, उनको कन्विंस करना, उनको बेचना है, बिल्कुल नया था। लेकिन था कि आउटपुट मिल सकता है, तो हमने उस चीज़ को सीखा, समझा। कुछ समय बाद मैं अच्छा खासा बेचने में माहिर हो चुका था। फिर मैं वही चीज़ लोगों को सिखाना जब शुरू, एक ज़रूरत थी कि तुमने कर लिया है चलो सिखाओ, हमारे मेंटर ने कहा चलो इतने लोगों को सिखाओ, तो सिखाते 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 पता नहीं कब ये समझ में आया कि सिखाना अच्छा लगने लग गया, लोगों को समझ में आने लग गया, वही की एक्सपर्टीज़ बन गई। तो फिर वहाँ से एक दौर शुरू हुआ मेंटरिंग एंड कोचिंग का। सर, आपने ये भी बताया कि आप इनिशियली दब्बू थे और बहुत ज़्यादा पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन फिर आप एक ऐसे फील्ड में भी आ जाएँ जहाँ पे पब्लिक कम्युनिकेशन ही आपकी प्रायोरिटी है, तो वो पूरे फेज़ में किन पॉइंट्स को आपने खुद एक्सपीरियंस किया या कोई और किन पॉइंट्स को ध्यान में रखे कि जो अभी बहुत कम बोलता है वो पब्लिक कम्युनिकेशन उसकी बेहतर हो सके? इंसान और जानवर में एक फर्क है, कुत्ता कभी भी शेर नहीं बन सकता, ठीक है, चूहा कभी खरगोश नहीं बन सकता, मगरमच्छ कभी बंदर नहीं बन सकता। कहने का मतलब, मगरमच्छ पानी में चलता है, वो कभी पेड़ पे नहीं चल सकता। कुत्ते की स्पेशलिटी है वो ईमानदारी या वफादारी, वो सब कर सकते हो। शेर की स्पेशलिटी अलग है। आदमी की स्पेशलिटी क्या है, वो इनमें से कुछ भी अपना सकता है, किसी भी चीज़ को मोल्ड करके कुछ भी बन सकता है। वो शेर जैसा बन सकता है, खूंखार बन सकता है, वो कुत्ते जैसा बन सकता है, मगरमच्छ जैसा बन सकता है, बंदर जैसा बन सकता है। भगवान ने हमें काबिलियत दी है कि हम जो चाहें अपने आप को वैसा हम बना सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये मत सोचो कि आप में काबिलियत कौन सी अभी है। लोग कहते हैं ना अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो, ना स्ट्रेंथ ढूंढो नहीं, स्ट्रेंथ बनाओ। जो डिमांड है आपको, आउटपुट क्या चाहिए वो देखो। पैसे की बात है तो पैसा कितना कमाना है वो देखो, और क्या करके पैसा बन सकता है वो देखो। और नहीं आता तो हमें तो चलना भी बचपन से नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था, सीखा ना, उस स्किल को सीख लो। मध्यम वर्गीय परिवार से आकर आप अभी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, वो पुराने यार दोस्त गांव वाले साथ में हैं अभी? हाँ, साथ में है, लेकिन थोड़ा बदलाव आ जाता है। हाँ, आखिर क्यों? लोग कहते हैं कि अरे अब तो बबुआ बड़ हो गई ना, अब हमके याद ना करिए। देखो सर, ऐसा है ना, जितनी ऊंचाई पे आप पहुंचते चले जाओगे उतने ही आपके पुराने लोग छूटते चले जाएंगे, ये सच है। छूटते चले जाएंगे कहने का मतलब आपकी रेस एक अलग होगी, आपके सोचने का तरीका अलग होगा, बोलने का तरीका अलग होगा, ये सब चीज़ें उनको डाइजेस्ट नहीं होंगी। आप वो लोग सोचेंगे अरे कौन सी दुनिया की बात करते रहता है, क्या बात करते रहता है, क्योंकि आपका लेवल अलग जा चुका है, स्तर अलग जा चुका है, मेल मिलाप बैठना बंद हो जाएगा। वो कहेंगे अरे छोड़ यार, साटा ये बड़ी बड़ी बात करता है, जब भी मिलता है तो आपसे दूरी बनाएंगे। अब आपको भी उनकी बात समझ में नहीं आएगी, बाकायदी वो करेंगे अरे भैया फलनमा घर में जो है 10,000 रुपया आया तो उसने तो नायका वाला फोन लिया, ऐसी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो दूरियाँ ऐसे बनने लग जाती है। आपका दो लोगों के साथ उठना बैठना ज़्यादा कब बढ़ता है, सेम मानसिकता जब होती है, सेम तरह की बातें जब होती है। लेकिन चूंकि आपने अपने आप को इतना मंझ लिया है, आप अपने आप को इतना ऊपर के लेवल पे ले जा चुके हो, तो सामने वाला भी तो उस लेवल का होना चाहिए। उसने डेवलप नहीं करा है तो नीचे रह जाता है और आप छूट करके ऊपर आ जाते हो। अच्छा, कभी आपका जानने वाला पहचानने वाला मिला, कभी पूछा कि अरे महीने का कितना कमा लेते हैं? बहुत मिलते हैं। बहुत मिलते हैं। क्या जवाब देते हैं? कुछ नहीं, टालना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। अच्छा सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं बोल सकते। सेविंग या इन्वेस्टमेंट क्या बात करते हैं, आपके पास या आपका कोई प्लान होता है? जैसे अगर हम 100% क्वेश्चंस करते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी या इतनी सेविंग या जो कॉस्ट आपकी जो लाइफ है उसको रेशोल्ड करते हैं, रेशो में बांटते हैं, अगर हम 10 की बात करें या आउट ऑफ 100 में से रेशो वाइज डिवाइड करें? देखिए, सेविंग इन्वेस्टिंग ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ अर्निंग पर। अब जैसे एक कोई 15-20 हज़ार रुपये महीना कमाता है तो जाहिर सी बात है वो 10% 20% ज़्यादा क्या बचा लेगा। लेकिन जब आपकी अर्निंग 10 लाख 15 लाख 20 लाख में चली जाती है
तो आप 2-3 लाख रुपए ज्यादा क्या खर्च कर लोगे? फिर आपका सेविंग और इन्वेस्टिंग का रेशियो 80% और 90% जाता है, 10% खर्चे में जाता है। तो ये रेशियो डिफाइंड नहीं है, ये डिपेंड करता है अर्निंग के रेशियो पर। अर्निंग कितनी बड़ी है, सेविंग इन्वेस्टिंग उतना बड़ा हो जाएगा। अर्निंग अगर छोटी है तो वो रेशियो भी छोटा होगा। हम बड़ी अर्निंग पे नहीं जाते हैं, लेट्स सपोज 25 या जो इनिशियल यूथ है जिसने जस्ट स्टार्ट की अदर देन आईटी जॉब जहां पे बड़ी अच्छी पैकेज होते, तो वो अपनी सेविंग का या इन्वेस्टमेंट का प्लान उस स्टेज पे कैसे सोचो, वो थॉट कैसे डेवलप करे कि ओके आई हैव 25,000, अब इस पे हमें इस तरह से काम करे तो आगे बढ़ सकता है। वो अर्ली स्टेज फर्स्ट पॉइंट जो होगा, जिसको अभी शायद इन्वेस्टमेंट का भी नहीं पता होगा, अर्ली सैलरी भी कम है, तो उस पॉइंट पे वो थॉट कैसे डेवलप करे कि भाई लोग ओके हमें इन्वेस्टमेंट या इस तरह से सोचना चाहिए। ठीक है, जिंदगी में कुछ भी करो ना, सबसे पहले अपने आप को वर्स्ट फेस के लिए तैयार करना चाहिए। हमने नौकरी चाकरी शुरू करा, वर्स्ट वर्स्ट क्या हो सकता है, हम दुनिया में ना रहे, अगर पीछे परिवार है उनका क्या होगा फिर। तो मैं कहता हूँ चाहे इनकम कितनी भी शुरू हो, 5,000 से शुरू हो, अपने लिए सबसे पहले एक लाइफ इंश्योरेंस लो, भूल जाओ इन्वेस्टिंग उसके सब बाढ़ में जाए, सब कितनी भी हो कम से कम एक लाइफ इंश्योरेंस लो कि भगवान ना करे कुछ हो जाए तो पीछे जो है उनको दिक्कत ना हो। छोटा ही लो, कल जब इनकम बढ़ जाएगी तो बड़ा वाला ले लेंगे, आज लेकिन छोटा वाला ले लो। अच्छा, जब वो हो गया, अपने खर्चे पानी ठीक होने लग गए। देखिए एक चीज़ है, लोग ये समझते हैं कि जितना पैसा आ रहा है उसमें से अपना देख लेते हैं क्या क्या खर्चा है, जो बच जाएगा उसको सेव या इन्वेस्ट कर लेंगे। वो कभी वो माहौल नहीं आएगा कि आपका पैसा बच जाए और आप सेव और इन्वेस्ट कर पाएंगे। पहला मानसिकता ये करना पड़ेगा, जितना भी आ रहा है उसमें से मेरे को 10% 20% हटाना है इन्वेस्टिंग के लिए या इंश्योरेंस के लिए, जो बचेगा उसमें से खर्चा करेंगे। आदमी की सैलरी जब 20,000 रुपये होती है तो बाइक लेने का सोचता है और ले भी आता है। कल को जब 30-40 होती है तो वो कार लेने का सोचता है, ले भी आता है। कल को जब 60-70 हुई तो वो आदमी घर का सोचने लग जाता है, ले भी लेता है वहीं पर। तो इन्वेस्टमेंट वाला फेस कभी आने ही नहीं देता, वो खर्चा ही बढ़ाता रह जाता है। अच्छा, मान लीजिए पहले इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए अलग करो, जो बच गया उसमें खर्चा। EMI का जो सिस्टम आया है, क्या इससे नुकसान है या फिर फायदा है? इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड, नुकसान ज्यादा है। क्रेडिट कार्ड तो अच्छी चीज है, मेरे घर के खर्चे जितने होते हैं मैं 90% कोशिश करता हूँ मैं क्रेडिट कार्ड से ही करूँ, क्योंकि मेरे को पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत सारे फायदे मिलते हैं क्रेडिट कार्ड से। लेकिन तब जब उसका फुल पेमेंट आप महीने के एंड में कर दें। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि मेरे बैंक में अगर 20,000 रुपये की सैलरी है मेरी, वो खत्म हो गया, नया कपड़ा लेने का मन कर रहा है, शर्ट लेने का मन कर रहा है, जूता लेने का मन कर रहा है, अरे बैंक में पैसा नहीं है, चलो क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं। अगले महीने आप चुकाओगे कैसे, नेगेटिव में चले गया। ये ट्रैप धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अच्छा, इसके ऊपर सोने पे सुहागा आपको EMI का ऑप्शन दे देती है। चलो 50,000 का ड्यू हो गया है, नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, EMI में कन्वर्ट करा लो, आराम आराम से देना, और अब फंसते चले गए धीरे धीरे। सर, ये जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें या कहीं अपनी इनकम जो है वो एक अच्छी जगह लगाएं, फिर हम ऑप्शन देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, यूट्यूब सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, तो 2-4 ऐसे इन्वेस्टमेंट सुनते हैं जो हम जनरली नाम सुनते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो गई और ट्रेडिंग हो गया। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है यंगस्टर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट करा है अर्निंग करना और वो चाहते हैं कि अपना पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट करें और फ्यूचर बेनिफिट्स निकाल सकें? देखो, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट है। आप म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड सर्च करें, इंडेक्स फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड होता क्या है कि भारत की जो टॉप की 50 कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आपका पैसा वहां इन्वेस्ट होता है इंडेक्स फंड। तो जब 50 कंपनियों की बात हो रही है तो वो अगर हिलते हैं तो भारत की इकोनॉमी हिल जाएगी, मतलब बहुत ही मजबूत बड़ी कंपनी है। तो आपका पैसा अगर उनमें जा रहा है तो सेफ सिक्योर बहुत हद तक है। तो कोशिश कीजिए कि म्यूचुअल फंड में जाए, वो भी इंडेक्स फंड में जाए, अगर बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। लेकिन कल को सीखते सीखते समझ बढ़ती है तो आप खुद से स्टॉक चूज करना सीखें। एक म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लंबे समय के लिए, मतलब 10 से 15 साल या उससे ऊपर, तो आप सालाना 15% के आसपास का इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक चुनना आ गया तो आप 15 क्या, 20 क्या, 100 क्या, 1000 क्या, 10,000% भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग क्या होना चाहिए? टाइमिंग मतलब 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, क्या मिनिमम 10, लॉन्ग टर्म का मतलब 10 से ऊपर। सर, जैसे कि हम यंगस्टर्स होते हैं आजकल, बड़ी इकोनॉमिक बुक्स आती हैं,
मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, उसमें ये बताया गया है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर अपने आप को महसूस करें, मतलब सोचिए कि हम अमीर हैं, तो वो हद तक क्या सही है, क्या इसमें एक्सपेंसेस में ज़्यादा फर्क है, क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि हम अमीर हैं तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, हमारे जेब में पैसे नहीं है, और अभी ऑप्शंस बढ़ गए, ईएमआई भी आ सकता है मेरे पास, क्रेडिट कार्ड भी है, मैं लोन भी ले सकता हूँ, तो इसमें क्या? बड़ी अच्छी बात आपने कही, वो सही कहते हैं कि अमीर की तरह सोचे कि आप अमीर हैं, इसका मतलब साथ में ये भी सोचे कि अमीर कैसे सोचता है, एक अमीर कभी ऐसे नहीं सोचता कि मेरे पास पैसा है तो ये भी खरीदूं, ये भी खरीदूं, ये भी खरीदूं, एक अमीर के पास पैसा है तो जब वो नए धंधे बनाने का सोचता है, वो नए इन्वेस्टमेंट का सोचता है, आज अगर मेरे पास कहीं सरप्लस पैसा आता है तो मेरे को फोन गाड़ी कपड़े का नहीं सोचता, मेरे को मन करता है अच्छा एक्स्ट्रा है तो यार कुछ जरा प्रॉपर्टी वाला वो न्यू लॉन्च हुआ है जरा उसमें डाल दिया जाए, कुछ नया स्टॉक ये सही दिख रहा है जरा इसमें डाल दिया जाए, तो वो होती है अमीर वाली सोच। सर मेरा एक सवाल है, कई बार क्या होता है जो काम हमें अच्छा लगता है उसमें हमको पैसा कम मिलता है, और कई ऐसा काम होता है जिसमें पैसा तो अच्छा मिल रहा है लेकिन वो हमें करना नहीं है, तो हमें करना क्या चाहिए? कई बार लाइफ कंफ्यूज हो जाता है पैसा और मतलब जो चाहिए वो उसमें लेके, तो क्या करना चाहिए, जहाँ पैसा ज्यादा मिल रहा है वहाँ काम करना चाहिए या जहाँ आपका मन लग रहा है वहाँ काम करना चाहिए? देखो इंसान वाली बात अभी हमने कही ना, इंसान कुछ भी बन सकता है, कैसा ही बन सकता है, ज्यादातर लोग ये कहते हैं जिसमें मजा आ रहा है वो काम करें, मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ इसको, आप जिस चीज को समझना शुरू कर देंगे ना, मैं सपोज इतिहास एक सब्जेक्ट है, बचपन में स्कूल कॉलेज में बड़ा बोरिंग लगता था लेकिन आज पढ़ने में मजा आता है, मालूम क्यों? इतिहास पढ़ के हमें कहानियां मिलती है, स्टोरीज मिलती, एग्जाम्पल्स मिलते हैं लोगों को बोलने के लिए, अब मेरा प्रोफेशन बोलने का है तो इसलिए मैं इतिहास पढ़ता हूँ, इतिहास पढ़ना मेरा इंटरेस्ट नहीं था लेकिन चूंकि जरूरत थी तो पढ़ना पड़ रहा, और पढ़ते पढ़ते उस पर समय देते 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 अब मेरा वो इंटरेस्ट बन गया, तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये ना सोचे कि आपको इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दें, उस पर अगर आप समय देते हैं ना, उसके तह में घुसते हैं ना, तो वो इंटरेस्ट बन जाता है, और कब इंटरेस्ट बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, यानी पहले पैसा को ध्यान देना चाहिए, ज्यादा पैसा मिल जाए फिर उसमें इंटरेस्ट, मेरे हिसाब से तो पहले पैसा ही ध्यान देना चाहिए। आपका एक वीडियो देखा था कि धीरे धीरे मैं 1 करोड़ कमाए, 2 करोड़ कमाए, 20,000-25,000 जो पाते हैं हम लोग, अब धीरे धीरे जैसे पढ़ रहा है 2,000-4,000 पड़ेगा, तो हम लोग उस लेवल तक कैसे पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, अगर ऐसे रहा तो क्या पहुंच पाएंगे नहीं, ये भी कंफ्यूजन रहता है, 1 करोड़ कमाना सब हो सकता है, जिंदगी को मैराथन की तरह खेलने की कोशिश कीजिएगा, और सबसे प्राइमरी फोकस अपने आप को स्किल सिखाने पर, नई नई चीजें सीखने पर लगाएगा, ये देखिएगा कि मार्केट में किस तरह की डिमांड है, किस तरह की जरूरत है, उस चीज़ को मैं सीख लूँ, ये फालतू की बातों पर कभी यकीन मत करना, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये मुझे आता नहीं है, ये मैं कर पाऊंगा, इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, जरूरत सबसे बड़ी चीज़ है। सर मेरा एक सवाल था, भीख मांगने वाले का इंटरेस्ट भीख मांगने में नहीं होता लेकिन फिर भी वो मांगता है, जरूरत। सर एक सवाल मेरा है, सेल्फ मोटिवेट होना जरूरी है या मोटिवेशन स्पीकर्स को सुन के मोटिवेट होना जरूरी है? देखिए कैसे भी मोटिवेट हो जाए, सेल्फ मोटिवेट रहे, किसी को सुन के मोटिवेट रहे, नहीं कभी कभी मोटिवेशन बहुत जरूरी है, कभी कभी लगता है कि हम सुन लिए तो बहुत ज्यादा लग गया कि हाँ ये आज तो हो ही जाएगा, लेकिन वो इन द एंड होता ही नहीं है। उम्मीद एक ऐसी चीज है ना, अगर आपको कहीं से मिल रही है किसी को सुन के या किसी को देख के, ये समझिए कि वो आप में एक नया प्राण डाल रहा है, क्योंकि जिस मैं मेरे एक फूफा है वकील है सुप्रीम कोर्ट के, तो एक वाक्य मेरे को बता रहे थे, सुनिएगा, वो कहते थे कि पहले मेरे पास जो भी आता था ना और मुझे लगता था इसके केस में दम नहीं है, तो मैं उसको साफ साफ बोल देता था, तो तुम्हारे केस में दम नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, चाहे किसी के पास भी चले जाओ, कोई वकील तुम्हारा केस ले भी ले और बोले कि हो जाएगा तो झूठ बोल रहा है, तो पहले मैं ऐसे कर दिया करता था, लेकिन मैं पहले कुछ दिनों पहले अपने सीनियर वकील से मिला, उनके कोई फेवरेट वकील है, उनका नाम बताया उन्होंने, तो उन्होंने उनको बताया कि उनके पास जब भी कोई क्लाइंट जाता है, केस कितना भी कमजोर हो, वो इसको उम्मीद देते हैं नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, और सच में कई बार ऐसा होता है कि जो कमजोर से कमजोर केस भी उसके फेवर में पता नहीं कब चला जाता और वो जीत जाता है। देखिए मैं मिरेकल्स पे बड़ा बिलीव करता हूँ, प्रकृति में बड़ा बिलीव करता हूँ, प्रकृति कब आपके फेवर में चाल खेल जाए आपको नहीं पता, भगवान की दया दृष्टि कब आप पर आ जाए, आतुर हो जाए, आपको नहीं पता, लेकिन हर समय मिरेकल्स पे बिलीव करना, खुद पे नहीं करना, समझे नहीं, ये सब कॉम्बिनेशन में चलती है, सिर्फ जादू पर मैं बिलीव करूं मिरेकल भगवान मेरे को कुछ दे देगा मैं कुछ करूंगी, वो भी नहीं चलता, भगवत गीता में कर्म पर बात करते हैं भगवान कृष्ण, है ना, काम करो, अपना काम पूरी निष्ठा से करो, फल हमारे हाथ में नहीं है, भगवान कहते हैं कि देना मेरा काम है,
तू करके दिखा। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं यहाँ क्या होता है, मालिक को अगर मेरा परफॉर्मेंस समझ में आया अप्रेजल देगा वो, नहीं परफॉर्मेंस समझ में आया अप्रेजल नहीं देगा। हमारा मालिक वो, हम जो परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम अपना बेस्ट दे रहे हैं उसको लग गया कि हाँ ये बेस्ट दे रहा है, दे दे इसको, उसको लगा कि बेस्ट दे नहीं रहा हरामखोरी कर रहा नहीं देंगे। तो हमारा काम ही बेस्ट देना है, बजाय ये सोचे मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पर निष्ठा रखो आस्था रखो, लेकिन उसने क्या कह रखा है उसको मत भूलो, उसने कह रखा है कि तू बेस्ट दे तभी दूंगा। चलिए बहुत अच्छा लगा, आपने बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, प्लस उसमें अनुभव का भी आपने तड़का लगाया कि अनुभव से भी काफ़ी कुछ आपने गेन किया है, और हम टाइम टू टाइम आपसे बातचीत करते रहेंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू।